नमस्कार दोस्तों, हर्षित डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, बहुत दिन हो गया अभी मेरे चैनल पर वीडियो नहीं आए, क्योंकि मेरे बीटेक के एग्ज़ाम चल रहे थे, अभी तो मैं भोपाल चले गया था, इसलिए मैं अभी घर पर नहीं था, जिसके कारण यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं कर सका। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम, जो हमारी गाय या भैंस होती है, ये कई बार ऐसा होता है कि यह दूध कम देती है, या जो पारसने के बोलते हैं, जो कभी कभी जो उनके थनों से दूध तो रुक रुक कर आता है, जैसे गाय का दूध निकालते हैं, भैंस का निकालते हैं, उस टाइम पर उनका दूध रुक रुक कर आता है, रेगुलरली नहीं आता है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जिनका उपयोग करते हैं हम। इनको हम अगर यह समस्या रोज़ तो नहीं होती, लेकिन जब भी होती है उस दिन एक टेबलेट हम पीस कर या उन्हें सीधे आटे के साथ खिला देते हैं, पर हम ज़्यादातर इन्हें कूट देते हैं और इन्हें बारीक करके उन्हीं के दाने में मिला देते हैं। तो दोस्तों, ये दूध एक्स करके टेबलेट आती है, यहाँ लिखा है, देख सकते हो, मिल्क इंक्रीज एंड लेट डाउन, यानी जो मिल्क उतारने की जो रेगुलेटरी है रेगुलरी वो प्रोवाइड करवाती है यह टेबलेट। इसका प्राइस आप देख सकते हैं 77 है, यह 75 रुपये में मिल जाती है, और इसके अंदर हमें 4 टेबलेट मिलती है, जो आप एक दिन में एक एक खिला सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत अच्छी टेबलेट है, और इसका उपयोग मैं अपनी गाय और भैंस दोनों में करता हूँ। जो हमारी गाय है वह रुक रुक कर एक पारसे में दूध नहीं देती, जिसके कारण उसे 2 बार बच्चा छोड़ना पड़ता है और बच्चा दूध ज़्यादा पी लेता है, देख सकते हो। तो इसके साथ हमें एक यह बुकलेट प्राप्त होती है, आप देख सकते हैं, दूध एक्स पशु खाद पूर्वक दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, नहीं इसके जो भी और प्रोडक्ट है दूध एक्स के अंतर्गत इस कंपनी के जो भी है, तो इसमें देख सकते हो दोस्तों, ये बुकलेट में मिलती है हमें। नमस्ते जी, या क्या आपकी गाय बड़ी सुस्त लग रही है? हाँ, तो ये सब इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें इस बुकलेट में दी हुई है, आप देख सकते हो। अगर किसी गाय का बछड़ा मर जाता है या भैंस का बछड़ा मर जाता है, तो वो बिना बछड़े के दूध नहीं देती, तो इस टेबलेट का उपयोग हम उसके लिए भी कर सकते हैं, जिससे उसे अपने आप यानी बिना बच्चे छोड़े ही पारस जाती है और दूध देने में आसानी होती है, देख सकते हो। दोस्तों, यह टेबलेट बहुत ही अच्छी है, और मैं अपनी गाय और भैंस दोनों में, इसमें विटामिन भी होते ए, विटामिन ए, विटामिन डी थ्री ई, ये सब कैल्शियम, फास्फोरस, सभी प्रकार के इसमें कैल्शियम मिनरल मिले होते हैं, तो इस प्रकार अच्छा मेडिसिन है। और इसके अलग अलग देख सकते हो प्रोडक्ट, जो दूधएक्स कंपनी के भूख, फास्टिन, गर्भो, प्लूटीन, नील्टी, बदसुवेट, एक की जो किलनी, चिचड़ी और जुए मारने के लिए साबुन, और इसका जो लोशन टाइप है वो देख सकते हो आप। और ये जो गाय और भैंसों को फर्श, पक्के फर्श पर बांधते हैं, जिसके कारण उनके आगे के टांगों या पीछे के टांग पैरों में जो घुटनों पर सूजन आ जाती है, उसके लिए बदसुवेट करके स्प्रे आता है, इसका उपयोग कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए जो ये दूधएक्स कंपनी का कस्टमर केयर का नंबर है, आप इससे जानकारी ले सकते हो। मैंने लगभग 5 पैकेट मंगवाया था इसके, जिसमें से 5 यानी 4 भी 8 8 टेबलेट खिला दिया हूँ मैंने 4 दिनों में 4-5 जानवरों को। तो आप भी अगर आपके गाय और भैंस में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, जो पारस्ती नहीं या दूध पूरा नहीं दे रही है, या दूध दूहते दूहते ही दूध चूरना बोलते हैं जिससे, वो अगर समस्या है, तो आप दूध एक्स टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। वो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, जिससे हमारी गाय अब एक ही पारसे में दूध देना चालू कर रही है, अब थोड़ा सा ही दे रही है, जो दूसरे पारसे में 1 लीटर लगभग निकल रहा है, वो भी धीरे धीरे अब बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।